पाकिस्तान में हर साल एक गप सम्मेलन होता है जिसमें सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को इनाम मिलता है। गत वर्ष इनाम पाने वाली गप यह थी, उत्तर के बर्फानी इलाके में कुत्ता खरगोशों का पीछा कर रहा था। इतने में बर्फ गिरने लगा और खरगोश तथा कुत्ता वहीं बर्फ में दब गए। 6 माह बाद गर्मी का मौसम आया और बर्फ पिघला तो लोगों ने देखा कि खरगोश भागे जा रहे हैं और कुत्ता उनका पीछा कर रहा है। यह गप सम्मेलन कोई मजाक नहीं है, यह एक प्रकार का पब्लिक सर्विस कमीशन है। जो आदमी सबसे बड़ी गप हाँक सकता है उसे सरकार विदेश मंत्रालय का सलाहकार बना लेती है और उसे यह काम दिया जाता है कि विदेशी मामलों में वह अच्छा से अच्छा झूठ इजाद करे। इस झूठ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अपने भाषणों में जोड़ लेते हैं। कश्मीर के संबंध में इसलिए पाकिस्तान इतनी जल्दी ऐसे अच्छे अच्छे झूठ कहता जाता है। सबसे ताजा झूठ यह है कि पंजाब की 5 नदियां कश्मीर से निकलती हैं। इस झूठ ने भूगोल को भी झूठा कर दिया। यह बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कही है। भूगोल कहती है कि केवल झेलम कश्मीर से निकलती है, शेष या तो बाहर हिमालय से या तिब्बत से। मगर पाकिस्तान के गप्पी सलाहकार ने प्रधानमंत्री को यही सलाह दी होगी कि सब नदियों को भी कश्मीर से जोड़ दो। भूगोल शास्त्र की परवाह मत करो, अपनी सरकार को भी कुछ गप्पियों को सलाहकार बनाना चाहिए। वैसे देशी मामलों में तो सरकार का हर मंत्री अफसर झूठ बोल लेता है। विकास योजना की रिपोर्ट झूठों से भरी रहती है। आंकड़े अधिकांश झूठे ही होते हैं।